वेलकम टू कैरियर्स पार्क। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई दिनों से स्टूडेंट्स कितना विरोध कर रहे हैं, उसके बाद बृहस्पतिवार को उसका बहुत बड़ा विरोध किया गया था प्रदेश भर में। उसके बाद सरकार ने जल्दी जल्दी कई फैसले, सीएम ने कहा कि 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की बात भ्रामक है। यदि ऐसा होता तो जब स्टूडेंट्स को कई दिन हो गए तो उसी समय इनको सफाई देनी चाहिए थी कि जो बात है वह झूठ है। देख लेते हैं क्या है पूरी न्यूज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है और ना ही रिटायरमेंट की आयु सीमा 50 वर्ष की होगी। क्योंकि दो बातें मेन जो थी वह यही थी कि पहला ये था 5 वर्ष की संविदा और दूसरी ये था कि 50 वर्ष पर रिटायर किया जा रहा है, जिसके बाद काफी स्टूडेंट्स के साथ साथ जो नौ जॉब कर रहे हैं वे भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। क्योंकि जो जॉब लग पाती है वह 30 से लेकर 40 की एज में लग पाती है, उसके बाद आप 50 वर्ष पर रिटायर कर देंगे तो भाई कितने वर्ष में वह तो उसको कितने वर्ष मिलेंगी जॉब के लिए, उसके बाद पेंशन भी नहीं मिलेगी तो वह आगे क्या करेगा, क्या उसका फ्यूचर होगा, क्या अपने बच्चे और फैमिली के लिए वह क्या कर पाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा है कि न ही रिटायरमेंट की आयु सीमा 50 वर्ष होगी। नौकरी में संविदा की अनिवार्यता को लेकर कहा कि यह जो सब बातें हैं विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी नियम पारित नहीं किया गया है और न ही भविष्य में किया जाएगा। सरकारी नौकरी की जो प्रक्रिया पहले थी वह भी आगे रहेगी। पीएम के जन्मदिन के अवसर विपक्ष में तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से बौखलाया विपक्ष सुर्खियों में रहने के लिए युवाओं को गुमराह कर रहा है, ऐसा कहा गया है डिप्टी सीएम केशव मौर्य के द्वारा। इसी प्रकार की सफाई राजमंदिर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि जो कुछ भी फैलाया जा रहा है कि वह सब विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है और ना ही वह ऐसा कोई शासनादेश जारी किया गया है। तो प्रेजेंट में कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए उन्होंने इस जो स्कीम थी उसको रोक दिया है, बट नहीं कह सकते कि फ्यूचर में वह ऐसा भी नहीं करेगी। क्योंकि जितना विरोध हुआ है स्टूडेंट्स के द्वारा कहा गया था कि भाई अगर हमें आप रोजगार नहीं दे सकते तो हम आपको वोट नहीं देंगे। लगता है जो कुछ भी अब सफाई दी जा रही है वह इसी कारण से दी जा रही है क्योंकि राजनीति में भाई वोट नहीं होगा तो फिर, क्योंकि राजनीति में सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए वोट होता है। तो आगे क्या फ्यूचर में होगा अभी यह तय नहीं है, क्योंकि अभी पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो प्रेजेंट में न्यूज़ में आया है वह यही आया है कि जो बातें हैं वे सब झूठ हैं। ओके, तो यह थी छोटी बट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।